दिन दहाड़े दलित किशोरी के साथ गैंगरेप करके बनाया गया वीडियो। कौशाम्बी के सराय अकेल थाना क्षेत्र के एक गांव में खेतों की ओर घास काटने गई 15 वर्षीय दलित किशोरी के साथ पड़ोस गांव के 3 युवकों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। किशोरी के साथ दुराचार करने के बाद उसका वीडियो भी दरिंदे युवकों ने बनाया। इसी दौरान किशोरी खुद को छोड़ देने के लिए हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन दरिंदे नहीं पसीजे। किशोरी की चीख पुकार सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो दरिंदे युवक भागने लगे। ग्रामीणों ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करके पुलिस के हाथों सौंप दिया। क्या आपके लड़के को पुलिस वालों ने मारा भी है? हाँ, मारा है। और आप ये बताइए कि जो आपके साथ घटना हुई है तो पुलिस वाले ने पहले तुरंत लिख लिया था कि नहीं? बहुत देर में लिखा। कितने घंटे बाद लिखी? कम से कम 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे बाद लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा। सामने खड़ी हुई है। 4 बजे तो सबका भागा। यानी 11 बजे की घटना थी, 4 बजे जब आप लोग काफी संख्या में वहाँ गए तभी आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसके पहले एसओ क्या बोल रहे हैं? कोई सुनाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई। तो ये रिपोर्ट रात में लिखी है? रात में कैसे लिखी गई है कि हमारा जो नेता गया है उनको लेके गया है, उनके हाथ जोड़ जोड़ा है। आपका नेता कौन है? जगदीश। जगदीश? अरे नेता है हमारे। चलो ठीक है, तो जो मदद करे ठीक है। तो यानी अभी मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? एक तो हुई। कितने उसमें मुलजिम थे? अब उसमें कबूलदारी भाई तो 3। उसका नाम क्या क्या था? नाम को हमको नहीं मालूम। घास काटने गए थे, फिर उसके बाद उन लोगों ने हमने नहीं देखा है। फिर बगीचे में गए थे तो उन लोगों ने पीछे से हमको गिरा दिया है। फिर उन लोगों ने हमारा मुंह दाब लिया है। फिर बहुत हमारे साथ गलत किया। फिर हम उसके बाद छुड़ा के भागे हैं, तो फिर उसके बाद खेत में गिर गए थे। इस घटना में पीड़िता का बयान कराया जाएगा, तुरंत मेडिकल की कार्रवाई चल रही है इनके। एक अक्यूज गिरफ्तार हो गया है, बाकी बचे हुए दोनों अक्यूज की गिरफ्तारी के लिए 5 टीम लगाई गई है। एसओजी की टीम यहां से लगाई गई है, जोन स्तर से लगाई गई है। हम बहुत जल्दी गिरफ्तारी करने की कोशिश करेंगे। इसके उपरांत हम इसमें एनएससी की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे और इस केस को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर और कोशिश करेंगे कि इन सभी अक्यूज का कन्विक्शन हो जाए। अपनी तरफ से हमें जितनी मेहनत इसमें करनी होगी वह हम करेंगे। एक वायरल हुआ है वीडियो, जैसा मुझे बताया गया है, जितने लोग भी इसे फॉरवर्ड करेंगे सेंड करेंगे उनके खिलाफ़ भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।